गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। हमारी अवनी की जो है बुक्स आ चुकी हैं, वो आप लोगों को भी दिखानी है। कोर्स आ गया है और अब वो कंटिन्यू स्कूल जाया करेगी, तो आप लोगों को दिखाना तो बनता है उसकी बुक्स वगैरह। और मुझे लेनी है सुबह की अभी दवाई, पानी भर के लाई हूँ मैं चाचा जी के यहाँ से। ये नल जो है ना हमारा बार बार उतर जाता है, और मेरे बस की ये नल चढ़ाना नहीं है, मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, मुझसे काम ही नहीं। और आज मैं कहीं जा सकती हूँ फिर, क्योंकि मेरे कुछ टेस्ट होने हैं उनको करवाने के लिए जो बाकी है। और एक चीज़ हो रहा है, मुझे अपना बैंक से रिलेटेड एक काम है। आज शनिवार है, कल नहीं होगा। और कुछ मैं जानना चाहती हूँ अपने बारे में, बार बार बीमार होने का क्या रीज़न है। कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा भी है जो दवाइयाँ आराम नहीं कर रही, तो उसका भी थोड़ा सा मुझे अपने बारे में जानना है। तो क्योंकि मतलब भाई आदमी इतना पैसा दवाइयों में फूंक रहा है, महंगे से महंगे डॉक्टर की दिखाई आराम नहीं लगा। अभी खाई वैसे क्या होता है, जो जब दवाई की स्टार्टिंग करती है एक दो खुराक आराम करती है, फिर बंद कर देती है। तो रीज़न पता होना चाहिए, कहीं कोई कुछ दिक्कत है क्या? घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ भाई दही देवताओं का, दही दाम का कुछ वो तो नहीं है? वैसे तो बहुत लोग इस चीज़ को नहीं मानते, पर मैं मानती हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी दिखाऊंगी, कहीं क्या कोई भूल चूक मुझसे हो रही हो शायद, तो उसे पूरा करूँगी। तो फिलहाल दवाई दे लूँ, अवनी का कोर्स दिखाती हूँ। अवनी आ जा। आप लोगों से बात करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। थोड़े से बर्तन हो रहे हैं। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि 11 बजे तक तूने खाना नहीं दिया, बच्चों को भूखा रखा, ऐसा क्या क्या खाते हैं? एक आधी रोटी खाते हैं, उससे पहले मैंने उनको दूध दे दिया, चाय दे दी, बिस्कुट दे दी, कुछ और मैगी ले आए थे थोड़ी सी दुकान पर से। भूखे तो मैं नहीं रखती, पर जब खुद के बस की ना हो तो लाचारी हो जाती है। और अभी जो है मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। हालत देख रहे हो आप, मेरा पूरा मुंह जिस तरह से सूज रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा। पता नहीं जैसे तैसे मैं काम कर रही थी। करना पड़ता है भाई, अकेले आदमी को सारी चीज़ें देखनी होती है, घर का काम भी, बच्चे भी, सारी चीज़ अकेले। देखो अपने की बुक्स आ गई हैं भाई, रुआ है ना भाई। ये देखो इतनी, ये तो बाइंडर्स हैं, और नीचे जो हैं इतनी सारी बुक्स जो हैं अपनी की, ये रही भाई, इस तरह की GK, मैथ, इंग्लिश की ज़्यादा बुक्स हैं। दे रही बेटा, आ जा आ जा, खाट पर आ जा। आ चारपाई पर दो ड्राइंग है, फिर दिखाऊंगी। ये बाबू रो रहा है। यहाँ पर अभी जो है ना मैं ये ड्रेसिंग को लगा रही थी, मतलब ये शीशा जो है ना दीवार में लगा के रख रही थी, क्योंकि आगे को सरकती एकदम ये गिरने का डर रहता है। पीछे को ज़्यादा लगाओ तो आगे को झुकाव हो जाता है। इसका सेटिंग कर रही थी नीचे कागज़ वगैरह लगा के, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं बच्चे गिरवाने लगा, कायरव ना गिरवा ले अपने ऊपर। और अभी जो है पूरे घर में अच्छे से मुझे कपड़ा लगाना है, बेड वगैरह से फिर इसे साफ़ करना है, क्योंकि धूल मिट्टी का ये हाल रहता है बहुत ज़्यादा, और गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कितने दिन से सोची थी कि मैं रूम साफ़ करूँ, तो आज पहला नवरात्रा है, ये वीडियो मेरी पहली नवरात्र की है। मैंने सोचा जब मुझसे जैसे भी तैसे भी करके थोड़ा धीरे धीरे करके मैं आज कमरा धोऊंगी, बहुत दिन से सोची थी, रोज़ पोछा लग रहा था धो नहीं रहा था अपना। धीरे धीरे करके जो काम मुझे करना करना ही है, इसमें मैं किसी और का वेट क्या करूं कि कोई करवाएगा या नहीं करना या गंदा रखूं, नहीं, मरती गिरती जैसे भी अपना काम मुझे खुद से ही करना है। और आज ये मेज जो है मैंने नीचे से ब्रश लगा के अच्छे से साफ़ करी है। इसके कुछ कोनों में धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और वैसे साफ़ नहीं होती, ब्रश वगैरह लेकर मार के निकालनी पड़ी। अब उसके बाद जो है मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़, तो कम से कम हफ्ते में 15 दिन में एक बार फ्रिज साफ़ करना बनता है, और अभी फ्रिज को 8-10 दिन हो गए मुझसे फ्रिज साफ़ नहीं हुआ, और कुछ इसमें दाल खिंड गई बच्चों से, तो फिर गंदा लगता है बहुत। इसके सारे खाने वगैरह निकाले, साफ़ करे, जहाँ जहाँ मैं काम कर रही थी ना वहीं वहीं बाबू जी मेरे साथ लगे हुए थे, मम्मी मैं भी कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है करा दो, आप भी करा दो, मेरे साथ साथ काम करवा रहा था। अब बच्चे ऐसे ही होते हैं। और आ चुके हैं बाहर किचन की साइड, तो किचन साफ़ कर लेते हैं। किचन का स्लीप साफ़ कर लिया, और ये थोड़े से जाले जंगले के ये साफ़ कर लेती हैं, इन पे भी जैसा हाथ का निशान, धूल मिट्टी, गर्दा गर्दा तो भाई सच में हाथ है। और कच्चा, वैसे एक बात, अगर घर में कच्चा हो ना तो धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही बैठती है हिसाब से, तो अभी बाहर का जो डोर है वो भी साफ़ कर लेते हैं।
आप सब भी आ जाइए पीने के लिए, तो मैं भूल जाऊंगी, इसका नाम नहीं बोलूंगी मैं, नाम आप लोगों को पता ही। तो हम लोग जो है ना अभी जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं घर से, बच्चे दोनों आगे हैं, ये देखो। हाँ जी, सीधा हो गया, चल सीधा सीधा, चल 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 सीधा हो गया। ऐसे की कैप ले आती, इससे तो बढ़िया कैप उठ है। कैसा करेगा आई थी और मम्मी यहाँ नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मम्मी जो है गांव चली गई थी, अभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हम लोग भी अभी जा सकते हैं वहाँ, मतलब उनको देखने के लिए। तो चलो जब यहाँ आ रही हूँ तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि भाई देख भी आऊँ भाभी को, कैसी है कैसी नहीं, मतलब बार बार मतलब जो है उनकी तबीयत ख़राब ही हो रही है, ठीक नहीं है। और अभी बस फिर फ़ोन आया था भैया की भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मम्मी पापा चले गए, हम लोग भी अभी बस जाएंगे। तो जैसी भी उनकी हालत है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ना। हम लोग जो है ना जा रहे हैं गांव, किसका चश्मा आयो, मम्मा कहने लगा आँख खराब हो जाएगी, हम लोग गांव जा रहे हैं भाभी को देखने के लिए। तो आप लोग भी चलो, हम आए हैं भाभी के घर। आप लोग कह रहे थे कि प्रिया दीदी से मिलाइयो, प्रिया दीदी की हालत कैसी, मेरे से ना रोज कमेंट कर रहे हैं प्रिया दीदी कैसी कैसी, मिल लो हमारी भाभी ये दी। भाई दुआ करो और भाई बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी दुआओं की, प्यार की इस टाइम। ठीक ठाक भी हमारा अच्छा बच्चा दोनों ठीक रहे। हाँ मिल लो, कह रहे थे उनको प्रिया दीदी से मिलवाओ, कैसी तबीयत है कमेंट कर दो इंस्टाग्राम पर भी, कैसी प्रिया दीदी, उन्होंने वीडियो नहीं दी क्या, रात भाई बता रहा था पानी की दिक्कत देखो भाई ऐसी हो रही है। तो मैंने सोचा कि भाई जब मैं घर आ रही हूँ और आप में से कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि प्रिया दीदी की तबीयत कैसी है आप बताओ, तो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ आ रही हूँ अपना काम भी करने आ रही हूँ, और साथ के साथ मैंने ये सोचा भी था कि मैं भाभी को भी देखाऊँगी, दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बच्चा कभी भी हो उस बात से फ़र्क नहीं है कि मैं जब ही जाऊँ, पर जब इतनी हालत उनकी ख़राब है तो एक बार देखने जाना तो बनता है, चाहे मेरी भी मेरी खुद की ख़राब है, मैं खुद बीमार हूँ, पर इस टाइम पर है ना ये चीज़ मायने रखती कि मैं कितना बीमार हूँ, कितनी बीमार हूँ या नहीं हूँ। पर भाई इस टाइम हमारी भाभी की भी तबीयत ख़राब, तो हमारी फुल फैमिली जो है आज हमारी भाभी को देखने के लिए गई थी, तो छोटी भाभी छोटा भाई बच्चे कायरो मम्मी पापा जो है वो पहले चले गए थे, क्योंकि मम्मी पापा को कॉल आया था कि भाभी की जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग चले गए थे, जब तक मैं भी नहीं आई थी तब निकल गए थे, फिर मैं वहीं मिली और भाभी को भी देखा, ये अपना काम भी था जो करना वो भी कर लिया। लाल मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है आँखें, देखो मेरी नींद सी आ रही है, दवाई ली है दो, और चोर दिक्कत खाना, रोटी खाने के लिए बिल्कुल मना करिए ना, तो मैंने ना एक दो टुकड़ा खा लिया तो गैस बना दिया, वही टुकड़ा गैस बना रहा है, दर्द कर रहा है पेट में, सांस सा नहीं आ रहा, बिल्कुल काले दिन भारीपन दिक्कत होगी एकदम, गलती कर दी दो टुकड़े भी खा लिए, पर यार बिन रोटी के पेट नहीं भरता, मैंने तो ना फास्ट भी नहीं रखा, तो मैं बताऊँ क्योंकि मुझसे नहीं रखा जाएगा, मेरी जो अंदर है ना जख्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस वजह से बिल्कुल मुझे ऐसा बताया कि बिल्कुल नॉर्मल खाना फास्ट वगैरह रखती और ज़्यादा दिक्कत होती, लास्ट में देखते हैं बाद में दो रख लूँगी या सप्ताह का रख लूँगी, जो भी होगा ठीक रही तो हाथ जोड़ लिए माता रानी से कि ठीक रखती पहले ठीक रहूँ जो हो जाऊँ। और फिलहाल जो दुआ दीजिए, दुआ करिए जो लोग मुझे देखते हैं, और कुछ लोग भाभी को भी देखते हैं, जो मुझे देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दुआ की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथ की और दुआ की, तो करिए। और अब तो हम भाई भगवान ने चाहा जब भी बेबी होगा तब जाएंगे, फिलहाल हम अपने घर चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों तो चले जाएंगे, पता चलेगा आने वाले ब्लॉग में। और हमारे जो है बेटा जी सो गए हैं, और दो बच्चे ऊपर जा रहे हैं, अर्चित भी ऊपर जा रहा है, खेल रहे हैं। फिलहाल इतनी ही बात करूँगी, थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, मेरी बिंदी भी ना हो गई, हालत बहुत डाउन सी हो रही है मेरी भी।